पूरी बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने टीवी पर अगर सुनना है तो आप इसके रिपीट टेलीकास्ट में देखें, जो रात को 11 बजे आता है, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे और दोपहर में 3 बजे आता है। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जब सैनिक सेना के अंदर जब भर्ती होता है, हाँ, तो उसको कठिन, एकदम कठिन ट्रेनिंग दी जाती है देश की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। तो सर वो रात दिन सर्दी गर्मी सब सहकर हमारी हिफाजत करता है सर। हमारी हिफाजत करता है, और हमारे नेता जब शपथ लेते हैं देश की हिफाजत के, वो कितनी काय की शपथ लेते हैं, ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है सर कि जब पूरी रात ठंडी के अंदर हमारे सैनिक वहां खड़े रहते हैं, तो मेरी ये राय है सर कि इन नेताओं को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए सड़क के ऊपर खड़े रखो, और इनको खड़े रखो कि देश की रक्षा किस तरह की जाती है। और इन लोगों का जिस तरह आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है सर, हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, कोई धर्म नहीं होता, इसी तरह हमारे देश के नेताओं का धर्म नहीं है सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि हम सब जन देशवासी एक होकर जिस तरह हमारे स्टूडियो में बैठे, क्या नाम उनका सर? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका क्या नाम है सर? हाँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप ग्रांड फादर ने जो कुर्बानियां दी है हमारे देश के लिए सर, इसी तरह जिस तरह वो जज्बा उनका था, आज हर देशवासी को वही जज्बा लेके चलना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद इकबाल भाई। देश के कॉलरों में, देशवासियों में सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से का इजहार एक साथ करने के लिए बिंदास बोल जैसे मंच अगर बाकी चैनल भी शुरू करें तो सरकारों की नींद और जल्दी टूटने की संभावना बढ़ेगी। हम देश के बाकी मीडिया को भी यही कहेंगे कि केवल चंद सेलिब्रिटियों को अपने स्टूडियो में बुलाकर उनकी बात से देश का हाल क्या है ये लोगों को बताने के बजाय, असली देशवासी, असली देश का मालिक क्या कहता है, कम से कम एक घंटे के लिए अपने टेलीविजन चैनल की फोन लाइनें खोल दीजिए जैसे हम खोलते हैं, और अपने अपने दर्शकों को कहने दीजिए। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हुए हैं। बिट्टा जी आप जुड़े हैं, बिट्टा जी देख रहे हैं, आपकी देशवासी सब मिलकर एक होकर एक साथ भारत माता की जय बोलने को तैयार हैं, लेकिन इस भारत माता के तिरंगे को जलाने वाले देशद्रोहियों को ही हथियार मुहैया कराने के लिए सरकार आतुर क्यों है? मैं एक बात कहनी चाहूंगा, इनका जवाब देना चाहता हूं जो अभी बोले हैं। आजादी से पहले जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जलियांवाला बाग के शहीद, देशभक्त लाला लाजपत राय जब अपने घर से निकलते थे तो अपनी माँ को कहते थे, माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे, ये नारा था। बिल्कुल। कि आने वाली जनरेशन के लिए फांसी के रस्से को चूमना, अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खाना, लाठियां खाना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, एमपी बनना मेरा मकसद नहीं, मेरा एक ही मकसद कि भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़वाना और आने वाले जनरेशन के लिए आजाद भारत छोड़ के जाना, ये नारा देते थे। बिल्कुल। आज का पॉलिटिशियन क्या नारा देता है? मैं सबकी बात नहीं करता, सभी कई हो सकते हैं, जब घर से निकलते तो कहते मां गोली छीनने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को गुलाम बनाएंगे, माँ गोली छीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे। वो राजनीति के अंदर और आज की राजनीति के अंदर पिछले 60 साल के अंदर ये अंतर आया। आतंकवादियों को हर सहूलत दी जा रही है, आतंकवादियों के लिए फांसी के फंदों को रोका जाता है, जलाद नहीं है इनको फांसी को चढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का अपमान होता है, घोटाले पूरे जब जब विभिन्न सरकारों में ही कई जल्लाद बैठे हैं तो जल्लादों की क्या जरूरत है बिट्टा जी। एक कॉलर से बात करते हैं। कॉलर के साथ साथ आप हमारे साथ एमएमएस भी देख सकते हैं। आपको अगर अपनी बात को वीडियो में अपने चैनल पर कहना है तो अपने मोबाइल के वीडियो रिकॉर्डिंग में जाइए, रिकॉर्ड करिए और उसे भेज दीजिए हमको। अब हमको आपका वीडियो रिकॉर्डर ईमेल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जा रही है।